हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चैप्टर एटम। हमने एक क्वेश्चन इसका लिया है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो स्टूडेंट, जो पाश्चन सीरीज का फार्मूला होता है फार्मूला फॉर पाश्चन सीरीज, ठीक, वो होता है वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट वन अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, पाश्चन सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखा है, ठीक, अब यहाँ जो n की वैल्यू होती है ऊपर के भाग में स्टूडेंट, यहाँ आप लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू थ्री के बाद फोर से स्टार्ट होगा, फोर फाइव सिक्स और इन्फिनिटी तक होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फोर होता है, याद रखिएगा इसका। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू फोर होता है। और ये h अल्फा है, h बीटा है, h गामा है, इनके लिए है, ये सब आप चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक। फार्मूला यही यूज करके आपको निकालना है इसको। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ये हो जाएगा वन अपॉन लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू आर वन अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर अपॉन नाइन हो जाएगा। ये यहाँ देखिए वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर तो थ्री स्क्वायर हो जाएगा नाइन, आर में वन का मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, आर अपॉन नाइन हो जाएगा, वन अपॉन लेमडा मिनिमम हो गया, ठीक। इससे आप निकाल सकते हैं लेमडा मिनिमम कितना हुआ, नाइन अपॉन आर हुआ, ठीक। वैल्यू रख दीजिए, नाइन ऊपर है, आर की वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.097 टेन टू द पावर सेवन होता है, ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस सेवन होगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे, अब ये सब आप ही को करने पड़ेंगे। तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी ये नाइन है, नाइन को 1.097 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.2041 आएगा ये, ठीक। और पावर ऊपर चली जाएगी, पावर होगी 10^-7, अब ये मीटर होगा इतना, ठीक। यहाँ सब एसआई यूनिट हैं। अब हम यहाँ पॉइंट को इधर ले आए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 8204.1 10^-10 मीटर हो जाएगा, और आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। अब ये एंगस्ट्रॉम हो गया तो लेमडा मिनिमम जो हो गया हमारा 8204.1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक। आपका आंसर यहाँ भी है और ये भी आंसर आपका सही है मीटर में भी, पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।